गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टडी अबाउट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जब हम इसकी मीनिंग पहचान करते हैं तो हमने से रही थी और से रहे थे। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, से रहा है, से रही है, से रही। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या है, से रहा था, से रही थी, से रहे थे। सिमिलर सिमिलर है, सिर्फ टाइम का फर्क है, उसमें प्रेजेंट में था, इसमें पास्ट के अंदर है। अब आता है कि कंटिन्यूअस और परफेक्ट दोनों मिक्स है, तो उसमें हम कोई काम रेगुलर कर रहे हैं, इसमें हम काम कर चुके हैं, काम स्टार्ट तो हुआ था लेकिन अभी भी कंटिन्यूस चल रहा था। अब बात करते हैं हम इसकी इंग्लिश में पहचान कैसे करेंगे हम इसकी। इसके लिए देखिए हमें चाहिए होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब जोड़ते हैं बीइंग प्लस वर्ब प्लस फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर, जो कि हम टाइम के लिए यूज करते हैं। ये हमने आपको प्रेजेंट परफेक्ट में भी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी बताया था। यूज ऑफ सिंस और फॉर हम इसके अंदर पढ़ चुके हैं। देखिए हेल्पिंग वर्ब इसके अंदर भाई एक यूज होगी, दैट इज हैड। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हैड, वर्ड बीइंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर, जो कि हम टाइम के लिए यूज करते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल हम सुबह से पढ़ रहे थे, तो वी हैड बी स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। देखिए We had been studying since morning. हम सुबह से पढ़ रहे थे। राम 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा था। राम 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा था। इसमें 2 घंटे आ गए, वो अब आपको बता चुके थे कहां हमें सिंस यूज करना है, कहां हमें फॉर यूज करना है। देखिए राम had been playing football for 2 hours. ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये हमारा वर्ब बीन हो गया, यह हमारी वर्ब फर्स्ट वर्ब प्लस आईएनजी हो गई, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारा सिंस या फॉर हो गया, जो हम टाइम के लिए यूज करते हैं। राम had been playing football for 2 hours. राम 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा था। हम सुबह से पढ़ रहे थे। We had been studying since morning. हम सुबह से पढ़ रहे थे। Since कहाँ यूज करते हैं एक बार मैं आपको फिर बता देता हूँ। Since हम fixed time लिए, यानी point of time लिए यूज करते हैं कि हमने काम कब शुरू किया था। For हम किसके लिए यूज करते हैं, For का यूज पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं, कितनी देर से किसी काम को कर रहे हैं। इनमें देखिए हम सुबह से पढ़ रहे थे। We had been studying since morning. हमें पता पॉइंट ऑफ टाइम, काम की शुरुआत कहाँ से हुई, सुबह से हुई, इसलिए हमने क्या यूज किया इसके लिए since morning. राम 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा था। यहाँ 2 घंटे हमें पीरियड का पता है कि कितनी देर से चल रहा है। राम had been playing football for 2 hours. 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा है, यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम दिया गया है, इसलिए हमने क्या यूज किया है फोर। बहुत सिंपल है, सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब चेंज हुआ हमारे इसके अंदर है। एक बार फिर से देख लीजिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसकी हम हिंदी पहचान कैसे करते हैं, से रहा था, से रही थी, से रहे थे। इंग्लिश में कैसे पहचान करते हैं, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज करते हैं, वर्ड बीइंग लगाते हैं, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते हैं, ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर, जो कि हम टाइम के लिए यूज करते हैं, वो सिंस के यूज हम कहां करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जहां हमें निश्चित समय का पता हो कि काम कब शुरू हुआ, सुबह शाम दोपहर, कोई भी डेट, कोई भी मंथ, कोई भी ईयर। फिक्स्ड इसके लिए हम सिंस का यूज करते हैं। फॉरवर्ड हम किसके लिए करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम, 2 घंटे से, 2 महीने से, 2 साल से, कितनी देर से काम को कर रहे हैं। हम सुबह से पढ़ रहे थे। We had been studying since morning. यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है, इसलिए सिंस यूज किया है। राम 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा था। राम had been playing football for 2 hours. यहाँ पीरियड ऑफ टाइम दिया गया है, इसलिए हमने किसके यूज किया है फोर का यूज किया है। सिंपल सा है, छोटा सा है आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसको आपने राइट एंड लर्न करना है। थैंक यू।